वो दर्शकों को बता दें, सुखदेव हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है। रोहित राठौर और नितिन फौजी को गैंगस्टर ने विदेश में बुलाने का वादा कर दिया था, ताकि जब वो दोनों टास्क पूरा कर लें तो फिर उन्हें विदेश में बुलाया जा सके। दोनों को 20 दिन तक बचने के लिए कहा गया था, लेकिन ये प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया जब पुलिस के हत्थे वो चढ़ गए। ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। दीपक भी ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए। दीपक, हो सकता है पुलिस नहीं पहुंचती तो विदेश भाग गए होते, क्या और डिटेल? बिल्कुल निश्चित तौर पर लविना, क्योंकि देखिए जिस तरह से इनको बताया गया था कि 20 दिन उन्हें वहां पर जैसे तैसे निकालने हैं, इसके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया गया था, चाहे वो राजस्थान से हरियाणा होते हुए पंजाब और हिमाचल प्रदेश की तरफ शेल्टर देना था, ये सारा लॉजिस्टिक सपोर्ट उन्हें लगातार मिल रहा था। और इसी दौरान उनका पासपोर्ट और अप्लाई किया जा रहा था। और ये कहाँ से होगा, कैसे होगा, ये सारी प्लानिंग पहले से तय थी। और इसके लिए 50,000 रुपए टोकन भी दिया गया था, ताकि वो जहाँ जहाँ भी रहें तो उनको कोई तकलीफ ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, और पुलिस से वो बचकर छिपते रहे। और यहाँ पर अब जिस तरह से पूछताछ की जाएगी, और ये पहले से ही ये तय था कि इनका पासपोर्ट बनाकर वीजा बनाकर उन्हें विदेश में शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी वारदात को उन्होंने अंजाम दिया था और उसके बाद ये भाग सकते थे। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहुंची, राजस्थान पुलिस पहुंची और इनकी गिरफ्तारी कर ली गई। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक आरोपियों का पूछताछ में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हत्या करने से करीब एक हफ्ते पहले पूरी हत्या की साजिश को रच लिया गया था। मृतक नवीन शेखावत ने रेकी की थी, नवीन शेखावत भी हत्या की साजिश में शामिल था। ये बहुत बड़ी खबर है। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि नवीन शेखावत सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का इससे पहले करीबी बताया जा रहा है, जो कि इससे पहले कई बार सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के साथ देखा गया है। कई सारे ऐसे फैमिली फंक्शंस भी रहे हैं जिसमें सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और नवीन शेखावत आपस में साथ दिखाई दिए हैं। लेकिन इतना बड़ा विश्वासघात क्या नवीन शेखावत ने किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो नवीन शेखावत बीच की कड़ी बना। नवीन शेखावत पर भरोसा करके ही सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने उन आरोपियों को उनके घर के भीतर दाखिल होने दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर नवीन शेखावत बीच में है तो फिर वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन बड़ी जानकारी ये है कि नवीन शेखावत ही वो शख्स जिसने इस पूरे साजिश में रचने में अहम भूमिका निभाई है। बकायदा रेकी की गई थी। और फिर ये भी हो सकता है कि नवीन शेखावत ये जानते थे कि जो बाकी सुरक्षा गार्ड है वो उस वक्त छुट्टी पर थे और इसीलिए उस दिन को यहाँ पर मुनासिब समझा गया। आनंद ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, नवीन शेखावत ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, हालांकि अपनी जिंदगी से भी हाथ धो लिया फिर नवीन शेखावत ने, लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का बहुत करीबी बताया जाता रहा नवीन शेखावत, और उसके बाद अब ये खबर मिल रही है, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, क्राइम ब्रांच के जो सूत्र हैं उन्होंने जो जानकारी दी है, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि जो नवीन शेखावत है वो सुखदेव को काफ़ी अच्छे से जानता था, दोनों की अच्छी बातचीत थी और सुखदेव के घर पे फ्रेंडली एंट्री नवीन शेखावत ने कराई। नवीन शेखावत को ये भी पता था कि जो नितिन फौजी और रोहित राठौर हैं ये दोनों सुखदेव को टारगेट कर रहे हैं, इनकी अपनी अपनी निजी दुश्मनी है। लेकिन जब घर के अंदर एंट्री होती है और जब वाद विवाद शुरू होता है तो वहाँ पर जो नवीन शेखावत है वो बीच बचाव करने की कोशिश करता है, वो डर जाता है। लेकिन उस दौरान जो शूटर्स थे, जिसमें से कि एक भारतीय सेना में पहले रह चुका, उसे बर्खास्त कर दिया गया, उसे हथियार चलाने की पूरी ट्रेनिंग थी। रोहित राठौर जो भी एक क्रिमिनल था, पहले उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। इन लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर नवीन शेखावत की क्या दुश्मनी रही होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब एक और बड़ी डिटेल दर्शकों को बता दें, सुखदेव सिंह हत्याकांड की कड़ियां एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक अब जुड़ती चली जा रही है। इस पूरे हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, रोहित गोदारा जिसने हत्या की जिम्मेदारी ली और उसका राइट हैंड वीरेंद्र चारण, इसे जिम्मेदारी किसकी दी जाती है, शूटर को हायर करने की, यानी कि ये डिसाइड करता है कि शूटर कौन होगा, कौन हत्या करेगा। और फिर ये डिसाइड करता है कि नितिन फौजी, जिस पर इससे पहले किडनैपिंग का आरोप लग चुका है, इसके अलावा रोहित राठौर जो रेप का आरोपी है, इस पर भी कई संगीन मामले दर्ज हैं। और उसके बाद देखिए क्या होता है, नितिन फौजी और रोहित राठौर कैसे संपर्क में आते हैं आपस में, जेल में गोदारा के वो संपर्क में आते हैं और उसके बाद ये दोनों मिलकर ये बड़ी साजिश रचते हैं और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हो जाती है। और यही वो दोनों आरोपी हैं, यही वो दोनों शूटर हैं जो अब पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं। लेकिन इन्होंने ही नवीन शेखावत की मदद लेकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर में एंट्री ली थी।
ये पूरा जो प्लान है अब खुलकर सामने आ चुका है, जो आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नितिन फौजी जो किडनैपिंग का आरोपी है और उसके बाद रोहित राठौर जो रेप का आरोपी है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि इनकी अपनी अपनी निजी दुश्मनी भी रही होगी, जिसका फायदा उठाकर जो चारण है उसने इन दोनों को चुना और उसके बाद इनको इस बात की जिम्मेदारी दी गई कि ये सुखदेव सिंह गोगामेड़े की हत्या कर देंगे। ये बहुत बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। हर किरदार की अहम भूमिका कैसे रही है ये भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित गोदारा ये वो जो लॉरेंस बिश्नोई का बहुत करीबी है, सबसे करीबी है, रोहित गोदारा इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि कैसे ये जो हत्या है वो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की तरफ से ही कराई गई है। अब इन सबके बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुखदेव गोगामेड़े हत्याकांड से जुड़ी हुई है एक और बहुत बड़ी खबर है। गोगामेड़े हत्याकांड का मास्टरमाइंड वीरेंद्र चारण दुबई में इस वक्त छिपा हुआ है। इसी साल अप्रैल महीने में कोलकाता से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर जानकारी मिल रही है कि वो नेपाल के रास्ते दुबई फरार हो गया था। अब आरोप यह है कि वीरेंद्र चारण ने ही शूटर तक हथियार पहुंचाए थे। ये बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। दुबई में हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड है वो छिपा हुआ है। आपको ये भी बता दूं कि जो हथियार है उन्हें जल्द बरामद कर लिया जाएगा, ये राजस्थान पुलिस का दावा है। चूंकि एक होटल बताया जा रहा है जहां पर ये हथियार छिपाए गए हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज है। हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड है वीरेंद्र चारण जिसका नाम है, वो इस वक्त दुबई में छिपा हुआ है और दुबई से ही जो हथियार है वो मुहैया कराए गए।